नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरी वॉइस सभी तक आ रही होगी क्लियर और किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो कुछ इस प्रकार है। इसका राइट आंसर बताना है कि प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन इज एसोसिएटेड विद विच जॉइंट। इनमें से कौन सा जॉइंट है जिसके साथ में प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन संबंधित है? पहला क्वेश्चन, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन किससे संबंधित है ये बताना है आप सभी। सेशन को शेयर भी कर दीजिए। जिसने भी राइट आंसर दिया, प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन शोल्डर जॉइंट, बिल्कुल एग्जैक्टली। एक्चुअली में शोल्डर जॉइंट है जिसमें आपका प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन हो सकता है। रिट्रैक्ट करना यानी कि पीछे की तरफ ले जाना और प्रोट्रैक्ट यानी कि आगे की तरफ लेके जाना। शोल्डर में एक और आपका मूवमेंट हो सकती है जिसको हम एलिवेशन और डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो एलिवेट कर सकते हैं हम और डिप्रेस कर सकते हैं, नीचे की तरफ ले जा सकते हैं। उसी तरीके से शोल्डर में आपका क्या हो सकता है, आपका शोल्डर एबडक्शन और एडक्शन हो सकता है और शोल्डर सरकमडक्शन भी हो सकता है आपका। सरकमडक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है ये एक्चुअली में आपका, फ्लेक्शन एक्सटेंशन हाइपर एक्सटेंशन इन सभी का कॉम्बिनेशन कहलाता है आपका सरकमडक्शन। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो कुछ इस प्रकार है। तब तक आप शेयर कर देता हूँ मैं सेशन को। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, काइनेस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ। तो जिसने भी राइट आंसर दिया, इंपल्स और फोर्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इंपल्स यानी कि दो और फोर्स यानी कि चार। तो दो और चार ऑप्शन में आपको देखने का है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भैया। एक्चुअली में अगर जहां पे आपको काइनेमेटिक्स देखने को मिले तो एम आ जाए, काइनेमेटिक्स एम फॉर मोशन। मोशन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो काइनेमेटिक्स आ जाता है, याद रखना इसके साथ साथ में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ मोटिवेशन। इनमें से कौन सा है जो निम्नलिखित में से जो कौन सा प्रेरणा का एक पहलू नहीं है, ड्राइव, नीड, सिंपथी या मोटिव्स? जल्दी से बताना है क्या इसका राइट आंसर होगा, चुन के फटाफट से बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सिंपैथी, जिसने भी सहानुभूति, जिसने भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगाया, बिल्कुल करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका एक्सप्लेनेशन ये है और आप इसको नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में। और इस सब की पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो लास्ट में बताऊंगा वीडियो के एंड में, कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिल सकती है। हमारे डेली के जो सेशंस होते हैं यूट्यूब पे, उसकी पीडीएफ फ्री में कैसे मिल सकती है आप सभी को। वो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एक्सीडेंट एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि डबल सी आ रहा है। पेड़ वाले बच्चे एक सेकेंड में बता देंगे सी सी, देखते ही क्या लगाएंगे भाई। साउंड वेरी स्लो, साउंड बहुत स्लो है क्या, साउंड नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं होगा, साउंड स्लो आ रहा है। चलिए, क्या बता रहे भाई, बी, इवान पावलो, एग्जैक्टली। जिसने भी इवान पावलो दिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भी आपका। आप एक चीज ध्यान में रखो कि इवान पेवलो आपका किससे, डबल सी आ जाए तो यानी कि आपका इवान पेवलो
पावलोव ने क्या दिया था भैया, कुत्ते के ऊपर मेनली आपका रिसर्च करी थी और उनके ऊपर ही क्या करा था भैया, आपका मेनली थ्योरी बनाई थी आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अगर हम आपके एडवर्ड ली थोंडाइक की बात करें, एडवर्ड ली थोंडाइक की बात करें, तो इन्होंने क्या बताया था, ट्रायल एंड एरर मेथड बताया था। और बी एफ स्किनर की बात करें तो क्या बताया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग बताया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग, पेड वाले बच्चे थोड़े से ट्रिक समझ गए होंगे क्या है इसकी ट्रिक, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग आ जाए तो बी एफ स्किनर, क्लासिकल कंडीशनिंग आ जाए तो इवान पैवलो, और ट्रायल एंड एरर आ जाए तो एडवर्ड ली थोंडाइक। तो इसको आप इस तरीके से भी जान सकते हैं। उसी के साथ साथ में जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है जो दी थी आपके बी एफ स्किनर ने, इसको हम इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग भी बोलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन आने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये डॉग है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपके सामने खाना दिया गया, क्योंकि नॉर्मल है, सलाइवा बाहर आएगा। उसके बाद में खाली रिंग यानी कि बेल बजाई गई तो सलाइवा नहीं आएगा, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं की गई है, कोई तैयारी नहीं की गई है, वहाँ बताया नहीं गया उसको किस तरीके से। सलाइवा के साथ में जब खाना दिया गया तो धीरे धीरे, एक एक दिन दो दो दिन, धीरे धीरे आदत हो गई है डॉग को, और अब जब भी सलाइवा मतलब जब भी बेल बजती है तो उसको लगता है कि खाना आएगा। तो एक दिन वो बिना बेल के, बिना खाने के बेल बजाते हैं खाली, तो आपके सामने क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है। तो ये क्या हो गया, कंडीशन कर दी कि डॉग को लगता है कि बेल जब भी बजेगी तब खाना आएगा, तो खाली बेल भी जब हम बजाएंगे तब उनको लगता है कि हाँ भाई खाना मिलने वाला है। तो ये चीज है पूरी। साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस इज नोन एज, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस इज नोन एज, ठीक है। साउंड, चलो साउंड ठीक है, लेकिन आपकी संख्या क्यों कम है भाई आज? बताइए भाई, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? जिसने भी लगाया आपका साइकोलॉजी बिल्कुल करेक्ट है। साइकोलॉजी से क्वेश्चन पूछ ले अगर कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है, तो विलियम वुंट है। अगर आपसे पूछ ले कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो स्पोर्ट्स में क्या होता है भैया, सी जी यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा होते हैं, तो सी फॉर कॉलमैन और जी फॉर ग्रिफ्टन। तो कॉलमैन ग्रिफ्टन इज नोन एज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के फादर। मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर बोल ले तो आपके हो जाएंगे सिगमंड फ्रूड, ठीक है, सिगमंड फ्रूड। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी कि चेंज इन बिहेवियर उसको हम क्या बोलेंगे? ये कल ही कराया था मैंने साइकोलॉजी वाले बच्चों को, जो हमारी पेड क्लास में है उनको। चलिए बताइए, सेशन को शेयर भी कर दीजिए। सरकारी स्कूल गए हैं सब खिचड़ी खाने। अच्छा भाई, हेमा कुमारी बड़ी जबरदस्त बुद्धि चल रही है तुम्हारी। लर्निंग कह रहे हैं, लर्निंग बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बिहेवियर में चेंज लाना क्या होता है भैया, लर्निंग। लर्निंग का मतलब ही होता है आपका किसी भी तरीके से व्यवहार में चेंज ला देना। तो राइट आंसर रहेगा लर्निंग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ फॉर सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा हो सकता है इनमें से? कई बार कई कई स्टेट इसको अलग अलग मानते हैं, आपको बताना है व्हाट इज द राइट आंसर। हाँ जी, कोई बी लिख रहा है, कोई डी लिख रहा है। मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर सेल्फ लर्निंग, देखिए बोर्ड ने इसका माना है ऑप्शन नंबर ए, डेमोन्स्ट्रेशन। एक टीचिंग मेथड है जो मेनली आपका यूज किया जाता है, अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन हम यू कह सकते हैं कि इसका क्या हो सकता है भैया, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बेस्ट है आपका किसके लिए, सेल्फ लर्निंग के लिए।
सेल्फ लर्निंग, अगर कोई खुद से सीखेगा तो वो ऑब्जर्व करके ज्यादा सीख सकता है, तो ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन तो आप करवाते हैं भैया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड तो सेल्फ लर्निंग के लिए नहीं है, उसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि आप जबरदस्ती करवा रहे हैं। तो अगर मान लो टीचिंग का बेस्ट मेथड पूछा जाए जो ग्रुप को, तो डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है, या फिर कोई स्किल होती है तो डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। इनमें से टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या है भैया? आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यस, जिसने भी लगाया है इसका, ईसेंट्रिक और ईसेंट्रिक का मतलब यह क्या है, एक्सट्रांसिक और इंट्रांसिक। यानी कि इंट्रांसिक की जब बात आती है तो क्या है, कोई भी चीज जो हमारे मन में है अंदर से, कि मुझे यह करना है, ये नहीं कि किसी को दिखाने के लिए करना है, मुझे फर्स्ट आने के लिए करना है, मुझे ट्रॉफी जीतनी है, मुझे मेडल जीतना है, उसके लिए नहीं। अगर वो सब सोच रहे हो तो आप एक्सट्रांसिक मोटिवेशन की तरफ जा रहे हो, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो मन में कुछ चीजें मुझे करना है, अंदर से ही कोई चीज आ रही है, तो वो आपका इंट्रांसिक मोटिवेशन है। दोनों यानी कि एक और चार कहाँ पे आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपका इंट्रांसिक मोटिवेशन क्या होगा, एटीट्यूड मोटिवेशन हो गया, कॉम्पिटेंस मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन पूरा, और फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन पूरा आपका, क्रिएटिव मोटिवेशन। एक्सट्रांसिक की बात करें तो फियर मोटिवेशन, इनिशिएटिव, डर के मारे आप कुछ काम कर रहे हो, पावर मोटिवेशन। इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट आने के लिए, कोई प्राइज के लिए, कोई बाहर से आपको इंसेंटिव मिल रहा है उसके लिए, ये, और ये सारी चीजें आपकी इंटरनल होती हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैटर ऑफ इनहेरिटेंस, वंशानुक्रम का मामला क्या है इनमें से भाई, बताना है आपको। हैबिट और रूटीन, पर्सनैलिटी ट्रेट, कैरेक्टर या मैनर एंड एटिकेट्स। जल्दी से बताना भाई, व्हाट इज दिस राइट आंसर। साइकोलॉजी के ये पेपर वन में भी आएंगे आपके, एचएसएससी में भी, और जहां भी आपका सीडीपी होता है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होता है, वहां पे ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, और डेली हमसे जुड़े करिए, 5 बजे आप डेली जुड़ो। जिसको फिजिकल एजुकेशन की मैराथन नहीं देखी और देखनी है, तो फटाफट से देख लो, आपकी तैयारी और जबरदस्त हो जाएगी। यस, जिसने भी राइट आंसर दिया है, पर्सनैलिटी ट्रेट। देखो पर्सनैलिटी ट्रेट्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी की, तो पर्सनैलिटी वर्ड कहाँ से आया था, परसोना से। परसोना का मतलब क्या होता है, मास्क। मास्क का मतलब क्या है, मुखौटा। ठीक है, तो मुखौटा अलग अलग टाइप के, किसी के लुक की पर्सनैलिटी हो सकती है, हाइट की भी पर्सनैलिटी हो सकती है, कोई कैसे बोलता है चालता है, किसी का कैसा कैरेक्टर है, कौन कितने तरीके से बिहेव करता है उसकी पर्सनैलिटी, कोई कितना इंटेलिजेंट है, कौन कितना सुंदर दिख रहा है, कौन कितना ब्यूटीफुल है, कौन कितना हैंडसम है, सबके अलग अलग पर्सनैलिटी हो सकती है। तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं आपके, कैसे आते हैं, ये जन्म से आते हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल लीडर इन ए फिजिकल एक्टिविटी। यानी कि इनमें से कौन सा है जो शारीरिक गतिविधि में एक सफल नेता की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है? क्या एक मैच में अगर सिक्का उछाल दोगे तो कहेंगे हाँ भाई ये बेस्ट आदमी है, या शारीरिक रूप से फिट, अगर कोई बहुत फिट है तो कह देंगे भाई कैप्टन बन जा तू फिट है, या फिर एक तेज आवाज होना जो सभी प्रतिभागियों को सुन सके, लाउड स्पीकर जैसी आवाज हो, तो भाई तेरा तू जोर से चिल्लाता है नारे लगा, इंटरवल में अपने नारे लगवाते हैं जिसकी तेज आवाज होती है। और अगला कह रहा है, प्रतिभागियों को प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, पॉजिटिविटी ढूंढनी है, आंसर अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, पॉजिटिविटी ढूंढनी है, क्या पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, बचपन से आज तक कुछ नहीं सीखा लाइफ में, ये चीजें तो सीखी होंगी, तो ये सारी चीजें ऑप्शन नंबर डी जिसने भी लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद में कुछ आपके लीडरशिप की क्वालिटी हो सकती है, फिजिकल एक्टिविटी में करवा सकते हैं, कि कुछ आपके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स लीडर के हो सकते हैं, वो आपका पॉजिटिव हर तरीके से आपको मोटिवेट करे, दे ऑलवेज फाइंड अ वे टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए, एनकरेज द रेस्ट ऑफ द टीम, और टीम को बार बार उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे और मोटिवेट करे, और
गुड लिसनर, आपकी सुनने भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कैसे भी चल दिया काम, आपकी भी सुनना चाहिए, आपको भी बताना चाहिए, एंड दे एंड टेक क्रिटिसिज्म। और किसी भी तरीके से कोई उनको कुछ बोल रहा है तो उसका ठीक है, इनिशिएटिव भी लो कि हाँ ठीक है मैं यहाँ गलत हूँ, मैं यहाँ सही हूँ। दे डू नॉट एक्सक्यूज एनी मोर, मतलब हर चीज में एक्सक्यूज देना, ये सब चीजें, और मोटिवेट होना, और दे एडमिट देयर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को पहचानना। ये कुछ एक बहुत सारी विशेषताएं हैं जो कि एक अच्छे लीडर की है। अगली बार अगला क्वेश्चन आ रहा है 33 नंबर। नॉट विद स्टैंडिंग द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी एंड एथलीट हैज एन अदर फैक्टर, द बेस्ट परफॉर्मेंस कम आउट व्हेन द लेवल ऑफ एंजाइटी। देखिए लंबा कर दिया है क्वेश्चन को जबरदस्ती, अक्सर केवीएस और एनवीएस इस काम को करता है, जिसमें सीधा पूछ सकते हैं आपसे कि बेस्ट परफॉर्मेंस एक एथलीट की कब आएगी जब आपका लेवल ऑफ एंजाइटी क्या हो। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है इतना सा एक लाइन का, लेकिन जबरदस्ती जिस तरह एक व्यक्ति और एथलीट और अन्य कारक है उस तरह से खड़े होने में के साथ ही सबसे अच्छा प्रदर्शन तब सामने आता है जब चिंता का स्तर कहाँ होता है, या खिलाड़ी का चिंता का स्तर कहाँ होना चाहिए, कैसे भी घुमा के पूछ ले आपसे कभी भी। तो हम इन्वर्टेड यू से, इस तरीके से इन्वर्टेड यू से देखते हैं तो यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ निकल के आती है, ना ज्यादा कम। ये मान लो आपका लो है, एंजाइटी लो है, ये आपका हाई है, ज्यादा हाई हो जाएगा तब भी दिक्कत, ज्यादा लो होगा तब भी दिक्कत, कहाँ रहना चाहिए मीडियम यानी कि मॉडरेट। तो ये क्या है आपका, मॉडरेट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आंसर, तो मॉडरेट लेवल पे होना चाहिए। हम किससे नापते हैं इसको, इन्वर्टेड यू से। ऑप्टिमम लेवल भी आ जाए तो ऑप्टिमम भी करेक्ट हो जाएगा, अराउजल हो, एंजाइटी हो, मोटिवेशन हो, सबको कैसे नापते हैं हम, ऑप्टिमम। नाउ व्हाट टाइप ऑफ डिजीज, टाइफाइड एंड कोलेरा। कोलेरा किस तरीके की डिजीज है, उसी के साथ साथ मैं बता दूं आप सभी को, इसकी फ्री पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो एंड तक देख के जाना, आज देख लेना, फिर डेली देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली कहाँ पीडीएफ मिलेगी। इसका राइट आंसर बताना है आपको कि इसमें से कौन सी, टाइफाइड और हैजा किस प्रकार की बीमारी है, संक्रामक रोग, प्रदूषित जल, या फिर जनित रोग, या फिर वायु जनित रोग, या जल जनित रोग यानी कि आपका एयर या वाटर, एक सेकंड में बता सकते हैं आप। डेफिनेटली जिसने राइट आंसर दिया, वाटर बॉर्न डिजीज, बिल्कुल करेक्ट है ये आपका। कोलेरा किससे होता है मेनली, हैजा, गंदे पानी की वजह से होता है, कंटेमिनेटेड वाटर भी लिखा हो सकता है, वो भी राइट आंसर हो जाएगा, कंटेमिनेटेड वाटर। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बेस्ट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ आउट ऑफ द फॉलोइंग इज, यानी कि अगर आप इनमें से कहें तो स्वास्थ्य को सर्वोच्चतम संकेत कैसे पहचानेंगे, तो ये तो एक आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तब भी आप कर देंगे कि ईटिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड, क्या खाना खूब भर भर के खाना, अरे भाई ये तो कहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, बीइंग फैटी, मोटा होना गलत है ये, और उसके बाद में स्ट्रॉन्ग मसल और स्लीपिंग फॉर लॉन्गर, लंबा सोएगा बेकार है भी शरीर के लिए, स्ट्रॉन्ग मसल एक पॉजिटिव क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी आप लगा सकते हैं, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, जानने से पहले आप मसल्स को जान लो, पढ़ लो इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत। तो क्वेश्चन आपका आ गया है, विटामिन विच इज वाटर सोल्यूबल, टोटल विटामिन कितने होते हैं, 13, 13 टाइप ऑफ विटामिन होते हैं, जिनमें से आपके फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं के ई डी ए, विटामिन के ई डी ए मतलब फैट सोल्यूबल, और वाटर सोल्यूबल क्या होते हैं, विटामिन बी एंड सी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल बी। अब बी में आपका B1 थायमाइन हो गया, B2 हो गया राइबोफ्लाविन, B3 हो गया नियासिन, B5 हो गया पेंटाथोनिक एसिड, B6 हो गया पाइरिडोक्साइन, B7 हो गया बायोटिन, B9 हो गया आपका फोलिक एसिड, B12 हो गया आपका साइनोकोबलामिन। ठीक है, उसी तरीके से विटामिन ए हो गया आपका रेटिनॉल, विटामिन सी हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी हो गया आपका कैल्सिफेरॉल, और विटामिन ई हो गया टोकोफेरॉल, और के हो गया साइ मेनली आपका फाइलोक्यूनिन, फाइलोक्यूनिन। तो ये सारे आपके साइंटिफिक नेम भी आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज, उससे पहले ये देखो साइंटिफिक नेम है इनके, याद रख लेना आप ये कुछ इस तरीके से, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज अगर हम दे तो, विटामिन बायोटीन को विटामिन एच बोलते हैं, फोलिक एसिड को विटामिन एम बोलते हैं,
याद रखना। और विटामिन डी को हार्मोन भी बोलते हैं। एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मीट अ डिमांड ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। चलिए, जिसने राइट आंसर दिया आपका फिटनेस। बिल्कुल, फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आप दिखने में फिट रहे, ये करें, आप अपने काम को कर पा रहे हैं, जॉब जा पा रहे हैं, कार चला पा रहे हैं, जो भी आपका कार्य है बिना थके हो कर पा रहे, दैट मीन्स आप फिट हैं। फिटनेस की डेफिनेशन ही चेंज कर दी लोगों ने, जिम जाना फिटनेस नहीं होता। अगला क्वेश्चन, चाइल्ड सेल बी एक्सपोज्ड टू ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट ड्यूरिंग दीज फेजेस, यानी कि खूब मूवमेंट करता है, यानी कि विकास के इन चरणों के दौरान मूवमेंट की एक विस्तृत श्रृंखला के अवगत कराया जाता है, खूब मूवमेंट करता है किसी भी तरीके से, इनमें सबसे ज्यादा मूवमेंट करता है। तो एक तो चाइल्डहुड में करेगा, सबको पता है। अगला कौन से में करेगा? प्यूबर्टी। तो ए और बी हो जाएगा इसका तो। हाँ भाई, ए और बी हो जाएगा। चलो देखते हैं आपने क्या दिया, ए और बी। तो ए और बी ओनली, ठीक है, ए और बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपको बताना है इनमें से वायरस से क्या होता है, वायरस से क्या होता है। मलेरिया किससे होता है मेनली आपका? मलेरिया प्रोटोजोआ से। कौन फैलाता है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो। कोलेरा कंटेमिनेटेड वाटर, टाइफाइड कंटेमिनेटेड वाटर से, बैक्टीरिया से होता है दोनों। इन्फ्लुएंजा आपका वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। जिसने भी आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज ये बताना है आपको, WHO ने डिफाइन किया है एक तरीके से, आइडेंटिफाई द हेल्थ इन द फॉलोइंग डायमेंशन। WHO ने कैसे, किस डायमेंशन में आपको ये बताया है? आवाज स्लो आ रही है, कोई नहीं, आवाज तेज आने लगेगी, बेफिक्र रहो। चलो अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये आपका होमवर्क है, आपको करके आना है ये। उसी के साथ साथ में अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू इट। जब तक आप कुछ करेंगे ही नहीं तो ड्रीम का कुछ लेना देना नहीं। कितने भी बड़े सपने देख लो, उसके लिए आपको एक स्टेप लेना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और तभी आप कुछ कर पाओगे लाइफ में। जितने भी HSSC की तैयारी कर रहे हैं, तगड़े तरीके से तैयारी करो भाई, हम आपके साथ हैं। किसी भी तरीके से कोई दिक्कत तकलीफ आएगी, पेपर वन हो चाहे पेपर टू हो, हर तरीके से हम आपके साथ हैं। उसके साथ साथ में ये शेड्यूल हमारा रहने वाला है, स्क्रीनशॉट लेके आपका शेड्यूल देख सकते हैं, हमारा 5 बजे ही रहने वाला है, HSSC के लिए भी और DSSB के लिए भी। उसके साथ साथ इसकी PDF कहाँ मिलेगी आपको? तो सबसे पहले आप ऐप इंस्टॉल करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ऐप के। बाद में आप पहले ही ये फ्रंट पेज आ जाएगा, यहाँ पे होम रहेगा और यहाँ पे कम्युनिटी रहेगा। इस कम्युनिटी पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ दिखेगा, इसमें आपका ऑल पोस्ट, योर ग्रुप और एक्सप्लोर ग्रुप। तो आप यहाँ पर एक्सप्लोर ग्रुप देख सकते हैं, तो वहाँ पे एक्सप्लोर ग्रुप में आपको यहाँ पर दिख जाएगा मोनू फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पर आप पहले फॉलो कर लेना, जैसे ही फॉलो करेंगे तो आपको मेरी PDF भी मिल जाएगी वहां पे, जो मैं भेजता हूँ वो भी। और आप भी कमेंट कर सकते हैं, आप भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या हो सकती है चीजें। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके फॉलो कर लेना है अड्डा पे, ये फ्री है, किसी भी तरीके से कोई बैच ले रखा है नहीं ले रखा है, सब फ्री है। मिलते हैं पंचकुला में, बिल्कुल पंचकुला में मिलते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई आप सभी को? तो ये है, और बाकी आप अगर कोई बैच परचेज करना चाहते हैं तो ये कोड इस्तेमाल करो, Y590, डबल वैलिडिटी चल रखी है अभी आपकी, तो फायदा उठाओ। फिजिकल एजुकेशन की बेहतरीन क्लासेस हैं, आप पूछ सकते हैं जो पेड क्लास जिन्होंने ले रखी है ऑलरेडी, भाई बता दो यार थोड़ा सा फिजिकल एजुकेशन के कैसे मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अंटिल वी मीट स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। हमसे डेली मिलो आप 5 बजे फ्री यूट्यूब पर।